भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पिपरवार शाखा की बैठक शनिवार को बेंती में सेवक कंजू की अध्यक्षता में हुई। इसमें लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों की परेशानियों पर चर्चा कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। बैठक में सर्वसम्मति से सरकार से प्रवासी मजदूरों और छात्रों की सकुशल घर वापसी सुनिश्चित कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, प्रवासी मजदूरों समेत आयकर के दायरे से बाहर सभी नागरिकों के बैंक खाते में 10,000 रुपए सहायता राशि जमा कराने और सार्वजनिक राशन प्रणाली के माध्यम से सभी गरीबों को निःशुल्क राशन देने की मांग की गई। इसके अलावा भाकपा के जिला कमेटी सदस्य अरविंद शर्मा ने मजदूर किसानों से एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ने का आह्वान किया। मांगों को लेकर भाकपा ने ग्रामीण इलाकों में पोस्टर भी चिपकाए। मौके पर रहमतुल्ला राजकुमार, बंटी मोदी समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। लाल झंडा जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, सभी प्रवासी मजदूरों को फ्री घर वापस करो, वापस करो, सभी प्रवासी मजदूरों को फ्री घर वापस करो, वापस करो, वापस करो। बाहर के राज्यों से मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन की संख्या बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। बाहर से मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन की संख्या बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। प्रवासी मजदूर समेत हुए से नागरिक जो आयकर दायरे से बाहर हैं उनके खाते में 10,000 रुपया जल्दी भेजो, पीएम केयर्स फंड से 10,000 रुपया उनके खाते में जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी। कि सही बात है कि जहां अभी फंस गया, अगर रोजी चलता तो प्रदेश नहीं जाता, तो पेट के चलते रोटी के चलते जाता है प्रदेश की। मेरा बीवी बच्चा को खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छा से कमाएंगे। नहीं जाना ये लोग कि कैसे लॉकडाउन हो जाएगा कि या चाइना का बीमारी फैल जाएगा, ये तो किसी का पता नहीं था। कोई भूख के हाल जानता है, दुख के हाल कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए जो है जहाँ फंसा हुआ है वो लोग के लाना कीजिए, और जो भूखा है उसको रोटी दीजिए। विदित है हमारे वाम दलों ने राज्य स्तरीय धरना का कार्यक्रम आज आयोजन किया है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सवादी समन्वय समिति और फॉरवर्ड ब्लॉक हैं। सभी लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये तय किया कि हम लोग 9 मई को पूरे राज्य में एक धरना देंगे, मैसिव धरना देंगे, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो सभी प्रवासी मजदूर जो बाहर में हैं उनको इतनी दिक्कत हो रही है, उनसे किराया मांगा जा रहा है, उन्हें मेडिकल चेकअप के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, जबकि उनके पास एक रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि उनको फ्री घर वापसी का व्यवस्था किया जाए। दूसरे राज्यों में हमारे इतने मजदूर हैं, झारखंड के 7 लाख से भी ज़्यादा मजदूर हैं, उन सभी को लाने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। एक दो ट्रेन अभी आई है, लेकिन उससे 12 दिन 2400 या 3600 आदमी आए हैं, जबकि हमारी मांग है कि अधिक से अधिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर, नमस्कार सर, नमस्कार, उन सभी मजदूरों को सुरक्षित घर वापस लाया जाए। हमारी मांग ये भी है कि वैसे प्रवासी मजदूरों के साथ वैसे नागरिक जो आयकर दायरे से बाहर हैं उनके खाते में पीएम केयर्स फंड में जो पैसा गया है उस खाते से 10,000 रुपया का भुगतान किया जाए। और हमारी मांग आज वाम दलों की ओर से ये भी है कि सार्वभौमिक राशन प्रणाली के द्वारा उनमें से सभी व्यक्तियों को फ्री राशन मुहैया करा जाए, ताकि कोई भूखा ना रहे और भूखे उनकी मौत ना हो। इसके साथ हम एक मांग ये भी करते हैं आज कि कल औरंगाबाद के करमाड स्टेशन के बाद पास रेलवे लाइन पर जो अहले सुबह हमारे 16 मजदूर कट गए, रोटी के लिए कट गए, उनको सम्मानजनक पूर्ण मुआवजा 50-50 लाख रुपया उनके परिजनों को दिया जाए। आज इस उद्देश्य से हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा पिपरवार जिला चतरा की ओर से कॉमरेड सेवक जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें हमारे सभी साथी महिला पुरुष सभी इकट्ठा हैं, और हम ये सभी अपनी धरना के माध्यम से अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार अपना जन विरोधी रवैया बंद करते हुए अधिक से अधिक मजदूरों को रोजी रोटी मुहैया कराए, उनको सुरक्षित उनके घर वापस कराए। इसी उद्देश्य से आज हमारा धरना था।